सब्सक्राइब कीजिए सबका हेल्प यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का सबका हेल्प यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आयल के बारे में जिसे आप बना करके अपने घर पर ही और इसे आसानी से आप मार्केट में सेल कर सकते हो। दोस्तों, ये बालों को गिरने से कंट्रोल करता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के सिर में जो बाल होते हैं वो गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो इसके लिए आपको चार इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी और इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है ये ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल है दोस्तों, ये दोस्तों आपको 250 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल जाएगा। तो इसका कास्ट हम 300 रुपये अगर मान लेते हैं और पर केजी पर लीटर के हिसाब से। और उसके बाद में आपको चाहिए कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल आप अगर कम लेते हो तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेते हो तो ये आपको सस्ता मिलेगा। ये किसी भी आप मेडिकल शॉप की दुकान से ले सकते हो कैस्टर ऑयल, इसे अरंडी का तेल भी कहते हैं। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स है वो है कोकोनट ऑयल। ये दोस्तों कोकोनट ऑयल है, ये आप 150 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जा करके सप्लायर से कॉन्टेक्ट करके और उनसे बात करके आप जो है मंगवा सकते हैं। और जो चौथा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है विटामिन ई कैप्सूल, इसे आपको चाहिए। ये चार इंग्रेडिएंट्स से हम जो है ये तेल बनाएंगे और इसके बाद में आप इसे मार्केट में जो है सेल कर सकते हो। अब इसे कैसे बनाना है दोस्तों? दोस्तों, इसके लिए आपको ये हमने इसमें ऑलिव ऑयल ले रखा है जिसे जैतून का तेल भी कहा जाता है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो ओलिव ऑयल बताओगे तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा तो आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप जैतून का तेल मांगिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर ये आप बना रहे हो 100 ml तो आपको सेम क्वांटिटी में इसे लेना है। तो इसमें अब हम जो है ओलिव ऑयल में हम कैस्टर ऑयल डाल देंगे, तो कैस्टर ऑयल भी हम उसमें डाल देते हैं सेम क्वांटिटी में। ये हमें डाल दिया, अब इसमें हमें डालना है कोकोनट ऑयल, तो उसको भी हम सेम क्वांटिटी में इसमें डाल देंगे। इसके बाद में हमें डालना है ये विटामिन की कैप्सूल। दोस्तों, अगर आप 100 ml बना रहे हो तो 100 ml में आपको ज़्यादा नहीं यूज करना है विटामिन ए कैप्सूल, केवल लगभग लगभग आपको 5 ml ही यूज करना है। ये हमने इसमें डाल दिया, अब इसके बाद में इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, जो डिब्बी आप लेंगे बोतल, वो बोतल आपको लेना है ट्रांसपेरेंट, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जा करके सप्लायर से बात करके आप बोतल मंगवा सकते हैं 100 ml 200 ml की। तो जो ये 100 ml की बोतल होगी वो आपको 2 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद में आप एक अच्छा सा स्टिकर लगाइए उसमें और मार्केट में इसे सेल करिए। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, ये आपका ऑयल बन करके तैयार है बालों में लगाने के लिए। इसे आप बालों में लगाइए और इसका रिजल्ट देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि भविष्य में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया आयल बनकर के तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल है, आप इसे अपने घर पर बना सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसानी से आपको सामान भी मिल जाएगा। अगर आपको सामान नहीं मिलता है तो आप indiamart.com की वेबसाइट पर जा करके आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आपको आसानी से ये सारे सामान इन्ग्रीडियंट्स मिल जाएंगे और आप वहाँ से ऑर्डर देकर मंगवा सकते हैं। दोस्तों, रही बात लाइसेंस की, तो इसमें जो लाइसेंस लगेगा वो सबसे पहले आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। आपको शुरू में कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, जब आपका बिज़नेस आराम से चलने लगेगा, स्टार्ट होने बढ़िया से चलने लगेगा, तब आप जो है अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करवाइए
और उसके बाद में आप ड्रग लाइसेंस लीजिए। अब दोस्तों इसमें जो आपका कास्ट लगेगा बनाने में 100 ml, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना आपका कास्ट लगेगा। इसमें आपको 33 ml, अगर आप 100 ml बनाते हो तो इसमें आप 33 ml कोकोनट ऑयल यूज करोगे तो ये आपको 150 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर मिलेगा तो ये आपका पड़ेगा 6 रुपये का लगभग। और 33 ml अगर आप कस्टर्ड ऑयल लेते हो ये पड़ेगा आपको 16 रुपये में। इसके अलावा अगर आप 33 ml ऑलिव ऑयल लेते हो तो ये आपको 300 रुपये पर केजी में मिल जाएगा, ये आपको पड़ेगा 10 रुपये का 33 ml। इसके बाद में आप जो स्टिकर लगाओगे इसमें उसका खर्चा 2 रुपये, और 2 रुपये बोतल का, और 2 रुपये आपका जो है विटामिन ई कैप्सूल का। तो कुल मिला के जो आपका टोटल खर्चा हुआ वो 6 + 16 यानी 22 रुपये और 10 रुपये ऑलिव ऑयल का, तो हो गया आपका 32 रुपये, और 2 रुपये आपका विटामिन ई कैप्सूल का 34 रुपये, प्लस 2 रुपये बोतल और 2 रुपये स्टिकर, यानी आपका टोटल जो खर्चा आया वो आया 38 रुपये। यानी 38 रुपये में ये आपका प्रोडक्ट जो है बनकर के तैयार हो जाता है, और इसे आप मार्केट में सेल कर सकते हो 150 रुपये में। क्योंकि जो और तेल आते हैं हेयर फॉल के, वो तेल आते हैं बहुत ही महंगे, वो आपको तेल मिलेंगे 100 ml करीब करीब मिलेंगे 400 के आसपास में, 350-400 रुपये में। तो ये प्रोडक्ट आप अपने आराम से अपने घर पे बनाइए और मार्केट में से 150 रुपये में सेल कीजिए कम से कम। तो ये प्रोडक्ट आपका जो बनकर के तैयार होगा वो 38 रुपये में बनकर तैयार होगा, और आप इसे मार्केट में सेल कर सकते हो 150 रुपये में कम से कम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कोई बिजनेस आइडिया के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।